जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने मोबाइल फ़ोन से एक यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम समय में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है आज जो यूट्यूब की जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही बड़ा हो चुका है। आपको लगता है किसी भी क्षेत्र में आप प्रोफेशनल तरीके से कोई भी कंटेंट को बता सकते हैं तो यूट्यूब आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पैसे अर्न करने का, लाइव जर्नी स्टार्ट करने का, और या पार्ट टाइम भी आप शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, आपके मोबाइल फ़ोन में जो यूट्यूब की लोगो होता है, यूट्यूब होता है, उसे आपको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे पहला जो स्टेप है, आप यहाँ पे देखेंगे तो एक लोगो मिलेगा, इस पर आपको सिंपली टच कर देना है। और यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा योर चैनल, इस पर आपको टच कर देना है। जैसे इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे कई चीज़ें देखेंगे। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें आपका जो एक ईमेल आईडी है ना, वही आपका चैनल हो जाता है। बस उसमें सिर्फ कुछ जो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, उसमें नाम वगैरह चेंज करने की ज़रूरत होता है, जो कि आप अपने चैनल का नाम किस नाम से रखना चाहते हैं उसे सिर्फ चेंज करना पड़ता है। इसे आप फोटो को जो चेंज कर सकते हैं, एडिट चैनल यहाँ पे कर सकते हैं, मैनेज वीडियो पे आप यहाँ पे वीडियो को डाल सकते हैं। तो चलिए एडिट चैनल पे हम टच करते हैं। अब एडिट चैनल पे टच किए दिए तो यहाँ पे जो आप नाम बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको जो लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आप किस प्रकार की कंटेंट बनाना चाहते हैं, या फिर जो यूट्यूबर को आप फॉलो करते हैं तो वहाँ पे देख लेंगे वो किस प्रकार की डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं, उस प्रकार से आप भी अपने कॉन्टेंट के हिसाब से बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बता दें, सबसे पहले हम ये जो आपको लोगो दिख रहा है इमेज का, इसे चेंज करना है। तो इसे चेंज करने के लिए आपको इस पर टच करना होगा। आप यहाँ पे कैमरा की मदद से भी आप अपने फेस ले सकते हैं। अगर आप कोई ब्लॉगर है तो ज़्यादातर उसमें फेस को ही यूज़ किया जाता है, यानी कि पिक्चर ही ऐड किया जाता है। अगर कोई टेक मनी टेक से रिलेटेड एजुकेशन है तो उसमें कोई लोगो वगैरह भी आप लगा सकते हैं। तो हम यहाँ कोई पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, फाइल पर आ गए, और यहाँ पर जो भी आप पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम ये पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, तो इसे हम सेलेक्ट करने इस पर टच कर देते हैं, और यहाँ पे इसे आपको ऊपर नीचे जहाँ पे रखना है आपको कर लेना है, और इसे आपको सेव पे टच कर देना है। जैसे सेव पे टच करेंगे कुछ समय टाइम आपको यहाँ पे रोटेट हो रहा है इंटरफेस, आपको फिर इस प्रकार का दिखेगा। तो देख सकते हैं आपकी चैनल की जो लोगो है यहाँ पे फोटो सेव हो चुका है। इसमें आप जो नाम रखना चाहते हैं चैनल का, इस पेंसिल पर टच करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए इस पेंसिल पर टच करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चैनल का नाम क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा नाम दीपक कुमार है, तो हम यहाँ पर दीपक ब्लॉगर भी लिख सकते हैं, ब्लॉगर यहाँ पर कर देते हैं इस प्रकार से, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, दीपक ब्लॉगर हम यहाँ पे कर देते हैं इस प्रकार से। अब इसे आपको ओके कर देना है। ओके जैसे करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हो चुका है। अब डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको पेंसिल पे टच कर देना है। जैसे पेंसिल पे टच करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है आप अपने हिसाब से किस प्रकार की ब्लॉग बनाना चाहते हैं, जैसे कि एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि, या जो मेरा चैनल है इस पर एजुकेशन से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, आपको अगर लगता है एजुकेशन के फील्ड में अच्छी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारा चीज़ जो है यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे 1000 जो यहाँ पे वर्ड है आपको सम्मिलित करने का जो है ऑप्शन मिल जाता है। ओके, अब इसे हम अभी एग्जांपल के लिए ओके कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पर नीचे आपको प्राइवेसी को फील्ड प्राइवेसी को पढ़ना है, और दोनों को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। ओके, डिसेबल करने के बाद आपको करना कि एक बार पीछे आना है, बैक आ जाना है। जैसे बैक आएंगे अब बारी आता है यहाँ पे वीडियो अपलोड करने का। वीडियो अपलोड करना है तो आप मैनेज वीडियो पे भी टच कर सकते हैं, या फिर हम आपको बताया तो क्रिएट पे भी टच करके आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अपलोड करने के लिए चलिए क्रिएट पे टच करते हैं। जैसे क्रिएट पे टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपलोड वीडियो का ऑप्शन आता है। यहाँ पे तीन टाइप का, जो एक शॉर्ट छोटा वीडियो होता है वो आप कर सकते हैं, यहाँ पे अपलोड वीडियो जो पहले से बना के रखते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर लाइव बनाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए हम अपलोड पर टच करते हैं। आप कोई भी वीडियो यहाँ पर बना के अगर रखें तो उसे आपको क्या करना है कि यहाँ पर ले लेना है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर इसके एक लोगो को टच करते हैं, तो इस प्रकार के आप जो भी वीडियो होगा आपको यहाँ पे लोड करना है, और यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, नेक्स्ट पे आपको टच कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे टच करेंगे अब आपको यहाँ पे टाइटल देना होता है। टाइटल के बाद नीचे देखेंगे तो ऐड डिस्क्रिप्शन देना होता है, और यहाँ पे अनलिस्टेड की हम बात करें तो आपको पब्लिक रखना पड़ता है। ठीक है, जो लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो पब्लिक पे टच करना पड़ता है, और फिर आप यहाँ पे लोकेशन वगैरह भी दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होता है, नेक्स्ट पे टच करना होता है। जैसे नेक्स्ट पे टच करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो कंटेंट है
यस इट्स मेड फॉर किड, किड्स के लिए है या फिर किड्स के लिए नहीं है, तो आप इसमें जो भी अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं। और अपलोड पे आपको टच कर देना है। जैसे अपलोड पे टच करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा और आपको वीडियो जो यहाँ पे अपलोड होते रहेगा। और आप स्क्रीन डाउन करके यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका वीडियो है यहाँ पे अपलोड होते हुए दिखाई देगा। इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप चैनल क्रिएट कर सकते हैं और वीडियो अपलोड कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।